गाइस आज की वीडियो में मैं आपको कार्टून एनिमल वीडियो बनाना सिखाने वाला हूं, जिसको आप इजी से अपने मोबाइल पर क्रिएट कर सकते हैं। जैसा कि आप गाइस खूबसूरत क्लिप को देख रहे हैं कि मैंने इसको कितनी अच्छी तरह कितनी ब्यूटी से क्रिएट किया है, और आप भी इस तरह से अपने मोबाइल में कार्टून एनिमल वीडियो को बनाकर बहुत अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। हमें 16:9 का रेशो सिलेक्ट कर लेना है। तो गाइस हम सबसे पहले काइन मास्टर में 16:9 का रेशो सिलेक्ट करके क्रिएट के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। तो अब गाइस हमें अपने बैकग्राउंड को यहां पर गाइस डालना है। तो बैकग्राउंड को आपको यहां से भी लेना है, आप वहां से बैकग्राउंड को ले लीजिए। इस पर मैं वीडियो भी बना चुका हूं। तो गाइस अब हम एक बैकग्राउंड लेंगे, उसको हम काइन मास्टर में डाल देंगे। तो गाइज़ मैंने एक बैकग्राउंड को है वो ले लिया है। अब गाइज़ हमने इस बैकग्राउंड की लेंथ को गाइज़ हमने उतना रखना है जितना हम इसका पहला सीन क्रिएट करना चाहते हैं। तो जैसा गाइज़ मैं इस बैकग्राउंड की लेंथ को कम से कम 30 सेकंड तक कर देता हूँ, या शॉर्ट बनाएंगे। जैसे भी आप जितने आपके होंगे लेंथ होगी, आप उतनी इसकी कार्टून वीडियो की आप इतनी इसकी लेंथ रख दीजिए। हमें कुछ करेक्टर्स चाहिए, तो गाइज इन करेक्टर्स को मैंने यूट्यूब से लिया है। इन दोनों करेक्टर्स का लिंक जो है आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर कॉपीराइट फ्री यूज़ कर सकते हैं। चलिए अब गाइज हम सबसे पहले एक करेक्टर को ले लेते हैं। मैंने एक हॉर्स करेक्टर को ले लिया है। तो गाइज अब मैंने इस करेक्टर को लेने के बाद अब गाइज हमने इसको अच्छी तरह से क्रॉप करना है, क्योंकि गाइज मैंने इसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग की है। आप भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लीजिएगा, या आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। उसके बाद गाइज अब आपको यहाँ पर बैक करना है और क्रोमा की को ऑन कर देना है। तो गाइज जैसे क्रोमा की ऑन करेंगे तो हमारा क्रोमा की जो है वो ऑन हो चुकी है। तो गाइज हमने इसको एडजस्ट कर लेना है, तो ये पहले से ही काफ़ी एडजस्ट सा है, तो हम इसको वैसे ही ले लेंगे। अब गाइज हमने इस कार्टून करेक्टर को यहाँ पर नीचे यहाँ पर लास्ट में ले जाना है। यहाँ पर गाइज यहाँ पर ई के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। तो अब गाइज हम इस तरह से आगे जाएंगे, और आगे जाकर गाइज आपका जितना आप इसका बनाना चाहते हैं शॉर्ट या लॉन्ग, आप उतना टाइम इस पे रख लेंगे। इस करेक्टर को पकड़ना है यहाँ से और लेते आना है, और बिल्कुल इसी तरह से हम इसको यहाँ पर इस तरह से लास्ट में ले जाएंगे। तो यहाँ पर गाइज ये हमारी जो फर्स्ट एनिमेशन है वो क्रिएट हो जाएगी। मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। तो गाइज आप ये देख सकते हैं कि ये हमारी जो फर्स्ट कार्टून एनिमेशन है वो क्रिएट हो चुकी है। तो गाइज आप देख सकते हैं, आप कितनी अच्छी तरह से इसको देख सकते हैं कि हमने कैसी अच्छी तरह से फर्स्ट एनिमेशन को क्रिएट कर लिया है। तो गाइज अब यहाँ पर हमारी जो है फर्स्ट एनिमेशन का जो कार्टून करेक्टर है वो यहाँ से हो चुका है ख़त्म। तो गाइज यहाँ पर हम न्यू करेक्टर को लेंगे। तो चलिए मैं आपको दूसरा करेक्टर लेकर दिखाता हूँ। तो गाइज मैंने दूसरा जो करेक्टर है वो गोट का लिया था, बकरी का। तो अब गाइज हम इसको भी अच्छी तरह से क्रॉप कर देंगे और दोनों साइडों से, ताकि इसका जो है वो फालतू वाले पार्ट वो ना आए, ब्लैक सी लाइन वाले। तो गाइज अब हम यहाँ पर बैक आएंगे और इसको क्रोमा की को ऑन कर देंगे। तो गाइज इसकी जो है वो भी एडजस्टमेंट तो ठीक है, गाइज हम इसको एडजस्टमेंट ठीक है तो हम इसी तरह इसको रख देंगे। तो गाइज आपने अच्छी तरह से कार्टून कैरेक्टर की एडजस्टमेंट करा देनी है क्रोमा की से, ताकि वो ग्रीन लाइन नज़र ना आए। तो गाइज अब हमने यहाँ पर बैक आना है और इसको भी हमने यहाँ पर लास्ट में ले जाना है यहाँ पर। तो गाइज अब हमने इसके लिए भी यहाँ पर की के ऑप्शन पर क्लिक करना है और आगे जाना है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, जितनी आपकी वीडियो है लॉन्ग आप उतनी रख लीजिए। तो गाइज हम यहाँ पर आगे जाएंगे और थोड़ा सा आगे जाकर यहाँ पर ये देखिए, तो यहाँ पर मैं इतनी ले आया। अब गाइज हमने इस करेक्टर पर क्लिक करके इसको भी पकड़ना है और इसको यूँ वीडियो के लास्ट में ले जाना है, जैसा गाइज हम पहले करेक्टर को लेकर गए थे। तो ये हो चुकी हमारी एनिमेशन, दी एंड। तो चलिए अब हम वीडियो को प्ले करते हैं। तो गाइज आप देख ही सकते हैं कि बिल्कुल कंप्यूटर जैसी लग रही है, और इसमें गाइज आप देख सकते हैं कि मैं इसको आपको मोबाइल से बनाना सिखा रहा हूं। तो आप ये देखिए कितनी अच्छी हमारी ये कार्टून वीडियो क्रिएट हो चुकी है। अब हमारा नेक्स्ट जो है यहाँ से आ रहा है, ये देखिए हमारी जो नेक्स्ट बकरी वाला सीन है वो यहाँ से बकरी ये गुजर कर जा रही है। और गाइज आप इसमें वॉइस ऐड करेंगे तो ये काफ़ी अच्छी अट्रैक्टिव बन जाएगी। तो गाइज आप मैंने आपको गाइज दो करेक्टर का यूज़ किया है, क्योंकि गाइज मैं बहुत से करेक्टर का यूज़ करता तो आप बोर हो जाते, इसलिए मैं आपको बोर नहीं करना चाहता, इसलिए मैंने दो करेक्टर का यूज़ करके आपको एनिमेशन करना सिखा दिया है। अब आप खुद अपनी तरफ से एक वीडियो क्रिएट कर सकते हैं। तो गाइज अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए।